दोस्तों आज हमारे पास आया है लाइट इन द बॉक्स वेबसाइट की तरफ से मोटो स्पीड का यहाँ पे गेमिंग कीबोर्ड और माउस कॉम्बो। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इस कीबोर्ड एंड माउस की अनबॉक्सिंग और देने वाले हैं आपको एक क्विक रिव्यू। तो जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है दीपक और डिग्री टेक हिंदी की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दोस्तों आपको लाइक का बटन मिल जाएगा, उसे दबा के उसे नीला कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस जो कि आता है मोटो स्पीड की तरफ से। तो ये लोगो आपको मिल जाता है मोटो स्पीड का और इसका जो मॉडल है वो है दोस्तों CK888 और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाती है RGB कलर LED। तो कुछ इस तरह कीबोर्ड और माउस हमें मिलते हैं और दोस्तों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है मोटो स्पीड जो कि ब्रांडिंग है। और यहाँ पे दोस्तों पीछे की साइड देखें, यहाँ पे दोस्तों पीछे की साइड आपको मिल जाते हैं कीबोर्ड टेक्निकल फीचर्स, जहाँ पे दोस्तों आपको 9 कूल LED लाइटिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, फुल कीबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑल मैकेनिकल स्विचेस मिल जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शनिंग की एंड कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, यहाँ पे फ्री ऑफ EEP रोम मेमोरी मिल जाती है और क्विक विन। तो ये फीचर्स यहाँ पे दे रखे हैं यहाँ पे इस कीबोर्ड के। और यहाँ पे दोस्तों दे रखा है यहाँ पे माउस के जो फीचर्स हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाती है RGB बैकलाइट, माइक्रो प्रोग्राम बटन्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है एंटी स्किड लेदर टेक्सचर डिजाइन। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। और दोस्तों अब इस बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स और देख लेते हैं किस तरीके का माउस और कीबोर्ड हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाता है यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड, जहाँ पे दे रखा है माउस एंड कीबोर्ड के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पे यूज करना है, कैसे कैसे यहाँ पे फंक्शंस दिए गए हैं, कौन कौन सी कीज हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं इन कीबोर्ड एंड माउस के। यहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज में दी गई है क्विक स्टार्ट गाइड, तो इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे सबसे पहले हम माउस निकाल लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा माउस, तो इसे निकाल लेते हैं अभी यहाँ पे। और ये है हमारा कीबोर्ड, तो इसे भी निकाल लेते हैं अभी बाहर। और यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाती है एक ये जिससे हम की निकाल सकते हैं इसकी, तो इसे भी रख देते हैं अभी साइड में। और इस बॉक्स को अभी इधर रख देते हैं और यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड को भी यहाँ पे खोल लेते हैं। तो ये है हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरीके का और यहाँ पे आप माउस देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरीके का यहाँ पे कीबोर्ड हमें मिल जाता है जो कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड है और आप इसकी आवाज सुन सकते हैं। तो यहाँ पे साफ आवाज आ रही होगी इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम बॉडी यहाँ पे दे रखी है और पीछे की साइड से कुछ इस तरीके का कीबोर्ड है। तो हम इसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे एक बार लगा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके का कीबोर्ड है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस कीबोर्ड और माउस को यहाँ पे कनेक्ट कर लिया अपने लैपटॉप से। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो RGB लाइट है इसकी कलर लाइट वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। मैं अभी जो है लाइटिंग यहाँ पे थोड़ी लाइट यहाँ पे डाउन कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इसकी जो लाइटिंग है वो आपको सही से दिख सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ज्यादातर लाइट यहाँ पे बंद कर दी है और यहाँ पे दोस्तों अब आप देख सकते हो किस तरीके से ये जो कीबोर्ड है काम करता है। मैं कोई भी यहाँ पे की छू रहा हूँ तो उसके बाद ऐसी लहर सी उठ रही है लाइटिंग की जो कि बहुत ही कमाल की लग रही है। और यही नहीं, इसमें ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे और भी फंक्शन। तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी मैं की दबा रहा हूँ उसके चारों ओर यहाँ पे लाइट जो है जल जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे और भी फंक्शन है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये काम करता है। और भी यहाँ पे और फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं।
तो ये सभी इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही कमाल का गेमिंग कीबोर्ड है, यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं किस तरीके से ये आवाज़ करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड है। यहाँ पे दोस्तों ये हमें एक की मिल जाती है जिसके द्वारा हम जो है किसी की भी बटन को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्विच दिए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे ये जो है एकदम ख़राब होने वाला नहीं है कीबोर्ड। तो इससे बहुत ही कमाल का गेमिंग कीबोर्ड है, जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मुझे बहुत ही कमाल की लगी। दोस्तों बात करें इस माउस की, तो ये माउस भी बहुत ही कमाल का है, यहाँ पे लेदर टेक्सचर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोटो स्पीड की यहाँ पे ब्रांडिंग लोगो यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे आपका जो हाथ है स्केट करने वाला नहीं है क्योंकि ये जो लेदर का बना हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों ये बटन दिए गए हैं जो कि बहुत ही कमाल के हो, इस बटन के द्वारा आप जो है लाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बटन दबा रहा हूँ और यहाँ पे जो लाइट है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आप जैसी लाइट चाहते हो अपने माउस में वैसी कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी लगी मुझे। दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया है ताकि अब जो है मैं गेमिंग कर सकूं, क्योंकि मेरा पहले गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन फिर मैंने गेमिंग छोड़ ही दी थी, कोई गेम नहीं खेलता था। लेकिन अब जो है मैंने कुछ गेम डाले हैं अपने लैपटॉप में, क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है और गेमिंग पर्पज से ही मैंने लिया था, लेकिन अभी तक कोई गेम नहीं डाला था। अभी मैंने कुछ गेम डाले हैं जो अब मैं खेलना शुरू करूंगा, और देखता हूं मैं आगे फ्यूचर में क्या पता आपके लिए भी कोई गेमिंग रिव्यू लेकर आऊं। दोस्तों ये था मोटो स्पीड का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो, और दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो कि है लाइट इन द बॉक्स का। और यहाँ पे दोस्तों आपको और भी बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट मिल जाते हैं इस वेबसाइट पे, तो जरूर से जाके दोस्तों चेक कर लीजिए। दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों हमारे बेल आइकन को दबाकर आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की सभी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।